पूरे देश में जो धान खरीदी है उसमें हम लोग एक लाख एक सौ तीन लाख मीट्रिक टन धान खरीदा लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि देश में सबसे ज़्यादा किसान हमारे यहाँ धान बेचे हैं वो लगभग तेईस लाख किसान अभी तक के धान बेच चुके हैं जो किसी राज्य में इतने किसानों ने किसानों का धान समर्थन मूल्य में कोई सरकार ने नहीं खरीदा पंजाब भी सबसे ज्यादा धान बेचते हैं तो वहां तो एफ सीधा खरीदती है और वो करीब सात लाख अस्सी हजार है जय जोहार मैं हूं मोहन तिवारी और पांच के पंचायती में आप सब मन के स्वागत है पांच के पंचायती के आज के विषय है जय किसान जी हाँ हमन जय किसान कहा काबर की छत्तीसगढ़ हा पूरा देश में नंबर वन आगे है अपन किसानों के संख्या कारण हमार किसान है न केवल धान सबसे ज्यादा उगा थे, बल्कि बेचे में भी आगे है और अब ओकर संख्या इतना बढ़ गए है कि देश भर में सबसे ज्यादा धान के किसान जो है वो छत्तीसगढ़ में दर्ज किए गए है केंद्र सरकार के ये आंकड़ा बाद में अब सब मन कहा थे जय किसान और जय किसान आज हमारे मुद्दा भी है तो किसान मन हमारे साथ है साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता भी साथ रही तो जो पहनामन हमारे साथ ये डिबेट में शामिल है पांच के पंचायती शामिल है उन सबके हमन स्वागत करथन और ये चर्चा ला शुरू करथन पहले मिल लो थे पहुना से सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है कृषि वैज्ञानिक घनश्याम साहू जी जो हाँ बताई कि ये चमत्कार जो हो है वो कारण का है वैज्ञानिक असर का रही से तो ये सब बात ला घनश्याम साहू जी बताई हमारे साथ किसान नेता भी मौजूद है वैगेंद्र सोनवेर जी जो हा बताई कि किसान मन के का समस्या है इसे वो हाँ जो है काम करा थे काका का दिक्कत आते तो सब बातला हमारे बीच रखी सोनवेर जी हा उक्कर भी बहुत स्वागत करा था और हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता रूपेश दुबे जी हा जो कि सरकार के पक्ष रखी पार्टीक पक्ष रखी और बताई कि ये जो तमगा मिले है एक बड़े अच्छा काम हुए है किसान के संख्या बढ़े के इलाका कैसे और बेहतर करे के प्रयास सरकार हा रहे थे तो तीनों पहनम के बहुत बहुत स्वागत है जय जोहार है और ये चर्चा ला शुरू कर थन, सबसे पहले हमन रूपेश दुबे जी के पास चलतन और उ, 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 उ से जानथन कि ये जो उपलब्धि मिले है धान के रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ में टूटे है सबसे ज्यादा अब तक राज्य बनने के बाद हमन धान बेचे हैं अब किसानों के कि संख्या मामले में हम देश में सबसे नंबर दो में आगे हैं तो का एक वजह मानतो मान और सरकार के प्रयास के बारे में बताओ कि सरकार ने का इसे चार साल में जादू करी कि पैदावार भी बढ़ गया और किसानों की कि संख्या भी बढ़ गया मोहन भाई नमस्कार जी जैसे कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की का सरकार आए है तबले संकल्पित मन से भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस के सरकार है अन्नदाता किसान बन के जो पहली जो हालत रही से बोला सुधारे पर प्रमुखता से काम करी से, और सबसे पहली हम जब किसान के ओखर वाजिब हक ला दे बात करें 2500 सौ धान खरीदबो ऐसे करके तो तमाम तरह के केंद्र सरकार अड़ंगा लगे ओखर बाद भी भूपेश बघेल जी की इच्छा शक्ति रही से कांग्रेस के मजबूत इच्छा शक्ति रही से और कारण हमन हा राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर सबसे पहला छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी किसान योजना लागू करी माने ये स्पष्ट संदेश दिस की छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार है किसान की सरकार है जैसी सरकार बनी जो किसान मन हा छत्तीसगढ़ के किसान मन हा कर्जा माफी में आत्महत्या जिसे कदम उठा पर मजबूर रही से उखर से मतलब मुक्ति दिलाए पर भूपेश बघेल जी है सबसे पहली उखर मन के कर्जा माफ करी और भूपेश बघेल जी के नारा भी रही से निभा रहा हूँ फर्ज फर्ज किसानों के माथे पे ना हो कर्ज और उखर तर्ज पे हम काम करें और आज छत्तीसगढ़ जो धान के कटोरा है दो हजार सत्रह अठारह में जहाँ हम पचपन पंद्रह लाख सत्तर हजार क्विंटल धान खरीद पंजीकृत किसान रही से वहां आज किसान मन के संख्या चौबीस लाख से ज्यादा हो गए माने कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार के योजना और किसान मन के कृषि के प्रति रुझान ये परिणाम है और छत्तीसगढ़ के जो अन्नदाता मन है और छत्तीसगढ़ के के किसान मन है एक कृषि रूप में काम करके छत्तीसगढ़ के धान के कटोरा जो कथन बातल यथार्थ में धरातल में लागू करे है तो ये रही से सरकार के बाद तो हा, तो ये वही लूटी ही काकाबर की चार साल बाद जो आंकड़ा बदले है वो तो आश्चर्यजनक है अब किसान मन का सोच थे कृषि वैज्ञानिक के का सोच है करके जान लेता हमारे साथ पहले वैगन जी मौजूद है सोनबेर जी ये बताओ कि ये बात आए है कि पहले चार साल पहले स्थिति दूसर रही से अब स्थिति दूसर है पैदावार भी बढ़ गए किसान संख्या भी बढ़ गए आप मन के जो स्थिति है उम्मीद कुछ सुधार हुए नहीं कि नहीं की केवल संख्या बढ़े है और पैदावार हो स्थिति में कितना सुधार देखते हो आप जी निश्चित तौर पर सुधार तो हो है किसान की स्थिति में क्रय शक्ति बढ़े है इला नकारे नहीं जा सके परंतु शास्त्र के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ गर्भ कहे गए है जी हमारे यहाँ हीरा है तांबा है सोना है चांदी है बॉक्साइट है वो इसी प्रकार से हमारे यहाँ खेती भी बहुत उत्तम तरीका से होते परंतु पूर्व के सरकार कि उदासीनता के, के वजह से जो 22 कुंटल जो धान खरीदी हो से वो लग किसान मन के 10 कुंटल कर दे रही से परंतु किसान और राजनीतिक दल के विरोध या आंदोलन की वजह से 15 कुंटल करी अगर वही 22 कुंटल 25 कुंटल के क्रय होते रहती सोसाइटी के माध्यम से तो निश्चित तौर पे ये ग्राफ और ज्यादा अधिक बढ़ती है। तो मैं ये चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से किसान मन के उत्थान के लिए अगर सरकार संकल्पित है तो निश्चित तौर पे ये धान खरीदी ला कम से कम 22-25 कुंटल करना चाहिए ताकि किसान समृद्ध हो सके किसान के लड़का देश विदेश में जाके अपन शिक्षा ग्रहण कर सके ऐसे मोर मानना है ये दाना दाना मतलब खरीदना चाहिए बिल्कुल जी 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 औ का, का, का आप लोगों का मान गए और दूसरा ये अगर ये उपाधि उपलब्धि अगर सरकार मिला थे विगत चार वर्ष से तो निश्चित तौर पे एक बधाई के पात्र छत्तीसगढ़ के मजदूर किसान मनहेरे जे मन उत्पादन करके आज छत्तीसगढ़ के सरकार के या छत्तीसगढ़ के मान लड़ा है तो सरकार ल भी चाहिए कि किसान मन के मनोबल और बढ़ा दे तो निश्चित तौर पे किसान और समृद्ध हो जाइए चलो ए, एक बात आए है सामने कि दाना दाना धान खरीदना चाहिए एक बारे में भी डिस्कशन करबो लेकिन पहले चल रहे थे हमारे साहू जी कृषि वैज्ञानिक हमारे साथ है साहू जी आप ये बताओ कि ऐसे का परिस्थितियां बनी कि हमार पैदावार भी बढ़ गए किसानों की संख्या भी बढ़ गई और किसानों की संख्या बढ़ने से छत्तीसगढ़ में फायदा है या नुकसान है का है एक पीछे लाजिक का है बोला भी बताओ आप मोहन जी मैं बताना चाहूँ की हमार छत्तीसगढ़ प्रदेश प्राकृतिक संसाधन से तो परिपूर्ण है ही है और मध्यम वर्गीय जो है जत का हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के रावासी है चाहे वो सुदूर बस्तर के लेन चाहे अंबिकापुर सरगुजा के क्षेत्र लेन तो जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो कृषि में आश्रित है हमारे छत्तीसगढ़ के रत्न छत्तीसगढ़ में अस्सी प्रतिशत ऐसे जनसंख्या है जहाँ बिल्कुल कृषि पे आश्रित है बात आते मैं वैज्ञानिक तौर पे ये मानता हूँ कि जो सिंचाई के रकबा बढ़े है मतलब किसान मन हा स्व आश्रित हो है सिंचाई के प्रति मतलब ट्यूबवेल शासन के योजना चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार दोनों के योजना के कह दीजिए कि हाथों हाथ लाभ उठा है और सिंचाई के रकबा बढ़े के वजह से नहीं, नहीं।, नहीं तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हर वर्ष ये जरूर देखे दो दशक पहले हमने ये जरूर देखा कि कहीं ना कहीं आखिरी पानी के लिए धान की फसल चुक जाए लेकिन अब हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये स्थिति नहीं है कि पानी के वजह से धान नहीं पाकि ऐसे अवस्था एक भी नहीं है चाहे वो सरगुजा के क्षेत्र हो चाहे बस्तर के क्षेत्र हो चाहे मध्य छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हो तो एक कारण मैं ये ला मानता हूँ कि पानी और सिंचाई के रकबा बढ़े के वजह से धान उत्पादन भक्कम हमारे छत्तीसगढ़ में होते और दूसरा छत्तीसगढ़ शासन और कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र ये मन हा गांव गांव तक पहुंचीस छत्तीसगढ़ शासन की योजना गांव तक पहुंचीस किसान मन हा जे मन उन्नत खुर्रा बोनी करत रही से धान आश्रित बोनी सो किसान भाई मन हा कह दीजिए कि स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से और वर्षा आधारित खेती के माध्यम से तीन जो है अगेती किस्म मध्यम किस्म और पछेती किस्म मतलब किसान मन यहां तक जान चुके हैं कि उथला जमीन में अगेती किस्म लगाबो जो भाठा उथला जमीन है में और जहाँ ज्यादा पानी आते थे में पछेती किस्मों लगावो तो ये किस्मों के भी जो व्यवस्था और अनुसंधान जो हुई तेकर वजह से सुजूर अंचल तक के कह दीजिए कि प्रचार प्रसार शासन के तरफ से विश्वविद्यालय के तरफ से और ये चीज तब कह दीजिए कि हाथों हाथ आते जब किसान खुद इच्छा जाहिर करते और एक पीछे रीजन ये हुए कि जब बाजार भाव उपलब्ध होते तो अमूमन तौर पे किसान के रुझान है बाजार भाव जब हो जाते तो किसान भाई मन है वो फसल लगाना और कह दीजिए कि इंटरेस्ट लेके या भारी लगन से वो फसल लगा के तैयारी भी किसान भाई मन करते कर एक बात हुए ये बार बार आते की खाद बीज की उपलब्धता और खाद बीज में कोई अंतर आएगा जे का कारण ये परिस्थिति बदली से पैदावार में एक कुछ आ, वो पढ़े हुई असर पड़े पड़ेगा कि बीज अच्छा मिला थे खाद अच्छा हुआ थे कारण भी पैदावार बढ़ेगा बढ़िया प्रश्न करे मोहन जी ये बात आते है कि भाई हमार छत्तीसगढ़ के किसान मन तो अब हाइब्रिड किस्म तक पहुंच गए और दूसरा ये कि हमर कह दीजिए मगर लोग ब्लॉक जिला हमन का कि मगर लोग ब्लॉक में किसान भाई मन हा धमतरी के कुछ ब्लॉक में जैसे पाटन साइड के जो किसान है भखारा साइड के किसान मन नर नारी धान लगाते जे हाँ कह दीजिए कि आंध्र प्रदेश में चाहे तमिलनाडु में दूसरा राज्य में कह दीजिए कि बीज उत्पादन के, के, के कार्यक्रम किसान भाई मन ने ले वो बीज उत्पादन के कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मल्ल्यबत है और धमतरी और जांजगीर जिला एक ऐसे जिला है जहां पर तो धान उत्पादन बहुत अच्छा होते और आप जो बोले की अच्छा किस्म के चयन किसान भाई मन करते चाहे वो छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के माध्यम से जिला बीज निगम का था वहां से भी बढ़िया फाउंडेशन सीट प्रमाणित बीज किसान भाई मन मिल जाते और एक अलावा किसान भाई मन बर हमारे विश्वविद्यालय से भी अच्छा अच्छा किस्म के विकसित करे गए हैं वो किस्म लग किसान भाई मन अपना थे और प्रश्न ये भी है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्वर्णा जो किस्म है हालांकि हल्का मोटा है लेकिन ये कम पानी में और बिना कीड़ा बीमारी के बहुत अधिक उत्पादन दे देते तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए जो स्वर्ण क्रिस्म है जो वरदान साबित हो है देगर वजह से किसान भाई मन बहुत अधिक उत्पादन भी ले पाते धान के फसल के लिए तो दो ठन बात सामने आ हैं एक एकड़ में एक परिस्थिति है के जो धान तो दाना दाना दान काबर नहीं खरीदे चुनाव लेकिन एक 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 बारे में कोई फैसला नहीं हो सके तो दुबे जी आप बताओ कि सरकार एकर बारे में कुछ प्लानिंग करे है कुछ विचार चला थे कहा दाना दाना धान खरीदी के सपना कब पूरा हुई छत्तीसगढ़ के सरकार अब भूपेश बघेल जी जो स्वयं किसान है वो किसान बन के हालत से और किसानी के बारे में अच्छा भली भांति जानते और जैसे ही वो सरकार में आई किसान के कर्जा माफ करी नौ हजार दो सौ सत्तर करोड़ से अधिक किसान कर्जा माफ इस। हुई जैसे साहू जी बता दी से सिंचाई की रकबा बढ़ी निश्चित रूप से पहली सिंचाई की क्षमता दस लाख नब्बे लाख हेक्टेयर रही से वो तेरह लाख से ज्यादा हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता बढ़ी और किसान बन के सिंचाई के कर भी माफ हुई और निश्चित रूप से जब उत्पादक उत्पादक उत्पादकता बढ़ा थे तो भूपेश बघेल जी कहा थे अभी पन्द्रह क्विंटल खरीदे थे हम बीस क्विंटल खरीदे के लिए भी संकल्पित मन से काम कर थे और और तो और किसान बन के एक एक दाना हम खरीदबो बसते केंद्र सरकार केंद्र में बैठे भाजपा सरकार है हमला इथेनॉल बना के अनुमति तो दे दे अरे भाई भाजपा के केंद्र में बैठे सरकार है तो यह किसान मन के बारे में चिंता करे नहीं छत्तीसगढ़ सरकार उपन धान ल खरीदना चाहते तो ओला उमन खरीदे पर अड़ंगा लगाते यदि केंद्र सरकार अनुमति दे दी ही तो भूपेश बघेल जी जिसे बोले हैं कि हम धान के एक एक दाना खरीदबो और किसान ला ओकर वाजिब हक मिल ही लेकिन तमाम और सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के किसान मना खुशहाल मत हो ऐसे करके भाजपा के केंद्र में बैठे सरकार है बार बार अड़ंगा लगाते और सबसे दुर्भाग्यजनक पहलू है तिवारी जी कि छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता बन तको, वो बारे में किसान मन के हित के बारे में केंद्र सरकार ला बोले नहीं मैं राजनीतिक रूप से बात नहीं करता हूँ अभी राजनीतिक बात नहीं है लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान अमर अन्नदाता है उखर मन के रक्षा करना उखर, ब, म, किसानी के वाजिब हक दिलाना सरकार के पहला धर्म है निभाना चाहते जैसे जब पच्चीस सौ में हम धान खरीदने की बात करी तो सेंट्रल के चावल नहीं खरीदने के अड़ंगा लगा दी बारदाना नहीं देना और तो और अभी कृषि जो कानून रही से तो भूपेश बघेल जी जब मंडी बोर्ड के जब नियम तो मैं तमाम तरह के अड़ंगा लगा के सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है किसान मनला वाजिब हक मत मिले मन के पूरा एक एक धान जी 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 नहीं एमा प्लानिंग का करे हो आप मा कैसे एथेनॉल बनी कैसे ओकर खरीदी कौन किसान के धान ला या चावल ला खरीदी काबर की एथेनॉल जो है वो चावल से बनी किसान हा धान भेजते ऐसे में कैसे हुई का प्रक्रिया आप मन सोचे हो केंद्र से अगर आप मन बात करे हो तो क्या स्थिति सोचे हो क्या कैसे हुई आवाज आते जी कुटकी रागी जो उत्पादन करते भी हक दे थे और और औद्योगिक पार्क बना करके किसान मल्ला एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे थे लेकिन भाजपा सरकार केंद्र में बैठे ये। कुछ करना नहीं चाहे नहीं वो तो अरंगा करा थे, वो है। हाँ अभी बयान जो आई है उमा ये बात समझ में आई की का प्लानिंग है कैसे एथेनॉल बनी कौन खरीदी करी एक बारे में कुछ सोचे हो का, का कुछ प्लानिंग बनायो आप मन छत्तीसगढ़ सरकार है इथेनॉल वाले बात ना शुरू से कहा थे ये मन तो भाजपा वाले मन तो खरीदे बात करते कर रही से लेकिन पंद्रह क्विंटल खरीदे खरीदबो जैसे खरीदी प्लांट बना करके इथेनल बनाए रही उपयोगिता करे जाए न तो इथेनल के बारे में कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई योजना बताते कतका में खरीदी हुई का हुई माने एक भी प्रयास भाजपा के तरफ से नहीं होते और चूंकि मान लो किसान के धान सरकार खरीद ली हुँ. तो भाजपा वाले तो FCI में जगह भी नहीं दे हुँ. तो ये तकलीफ है और अंत में धान सड़जे तो ओखर से नुकसान जरूर होते सरकार ला भी होते किसान ला भी होते लेकिन आज छत्तीसगढ़ के किसान मजबूती से और छत्तीसगढ़ सरकार की रीति और नीति को देख के अपन किसानी के तरफ कदम बढ़ाए हुए है तो उखर किसान मन लग मिलना चाहिए और छत्तीसगढ़ सरकार संकल्पित है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अनुमति दे दे देना चाहिए चलिए चलिए लेकिन नहीं दे। एक दाना दाना धान खरीदे के रास्ता तो सरकार सोच के रखे है पर उमा कई अड़चना थे एक बार फिर साहू जी के पास चलो फिर सोनबेर जी से भी बात करबो साहू जी ये बताओ की और कोई रास्ता है का एथेनॉल वाले में तो केंद्र की अनुमति लगी खरीदी नहीं खरीदी कई टाइप की स्थिति है टाइम लगी उमा और कोई क्या का व्यवस्था ऐसे किए जा सकते जिससे कि धान खरीदी हो और दाना-दाना धान खरीदी किसान मन के हो सके जी हाँ, मैं ये बताना चाहूँ की हमारे समय में जैसे दो दशक पहली हुँ. घर घर में कह दीजिए कि स्टोरेज कैपेसिटी के लिए कह जिला मन कह कोठी कोठा हुँ. मतलब कोठी निश्चित रूप से रखे हुँ. अभी किसान मन ये नया ट्रेंड ये आगे है कि धान हार्वेस्टर से मैगनाइजेशन बाद से से हार्वेस्टर खेत में हार्वेस्टिंग करके सीधा मंडी में ले जाए के सोचते किसान भाई बना तो मोर ये कहना है कि एक तो स्टोरेज गोडाउन होना चाहिए किसान भाई बनकर और दूसरा अगर बृहद रूप से शासन के माध्यम से अगर एक स्टोरेज कैपेसिटी हो और जब आवश्यक हो तब ये मिलिंग करे जाए तो वो हिसाब से करे जा सकत है कि अपन धान सुरक्षित रख सकन काबर अत्येक मेहनत से किसान भाई मन उत्पादन करते और कई बार ऐसे होते कि बिन बारिश बरसात वाली बात आते कि मंडी में ही कई बार धान में अंकुरण आ गए ये समस्या थे कई बार गोडाउन में भी कह दीजिए कि पॉलीथीन से या कैप कवर से ढके नहीं है एक वजह से धान असुरक्षित हो गए ये थे। और हम तो ये बताना चाहबो मोहन जी की हमेशा एक वैज्ञानिक के तौर पर मैं ये बताना चाहूँ के उत्पादन ज्यादा हो ही जे चीज में कह दीजिए कि बहुत अच्छी बात है अभी वर्तमान में हम मतलब मिला थे फायदा लेकिन प्रकृति भी बिल्कुल शाश्वत है मतलब एकदम जिंदा है और ओला भी कह दीजिए कि फसल चक्र परिवर्तन करते हुए मतलब धान के साथ साथ मिलेट मिशन जैसे कह दीजिए कि मिलेट के ज्यादा संभावना है कि हमारे पूर्वज बना पहले कोदो कूट की रागीला अकाल पड़ी खाबो ऐसे की कि घर में रखे रहा है तो किसान भाई ले एक निश्चित एरिया में धान उत्पादन करे कुछ एरिया में मिलेट ए, के उत्पादन करे कोदो कूट की रागी जैसे उच्चवन भूमि है जहां पर कह दीजिए कि कोदो का मतलब यही छोटे कि बिना पानी भी हो जाते सावा रागी ये सब के उत्पादन किसान भाई मन कर सकते थे तो एक दबाव नहीं कि धान अगर बिक्री नहीं हो तो किसान भाई मुल्ला अधिक उत्पादन नहीं मिले या बाजार भाव नहीं मिले तो ये समस्या नहीं आई और आजकल जब समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ सरकार है जब करे है माइनर मिलेट्स में तो एक से फायदा ये है कि किसान भाई मुल्ला माइनर मिलेट के लघु धान्य फसल के भी अच्छा उत्पादन धान के बराबर आ, कीमत लघु धान्य फसल से भी किसान भाई मतलब मिल सकता बिल्कुल सोनबेर जी एक बात आप मन बताओ कि आप आ, किसान नेता भी हो किसान मन के कई थे समस्या आप लोग के पास आते ऐसे में अभी जो वर्तमान व्यवस्था है उमा का आप मन देखते हो कि कुछ सुधार की जरूरत है और आगे का ऐसे व्यवस्था किया जाए एक तो आप दान, दाना दाना धान खरीदी वाले बातल बता दे उमा थोड़ा दिक्कत है पर अभी जो व्यवस्था चला थे कावर की संख्या बढ़ गए है पैदावार भी बढ़ गए है ऐसे में व्यवस्था और कैसे बेहतर बनाया जाए ताकि किसान जो है खुशहाल रहे और जो जय किसान के नारा छत्तीसगढ़ सरकार दे है वह सफल हो सके का सुझाव है आपके जी निश्चित तौर पर मोहन भाई मैं आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह करत हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो मंडी बंद है हुँ. पहली बात दूसरा बात जो किसान मन के लिए काला कानून जिला सौदा कानून कथन का वो दो हजार बारह से जो लागू है छत्तीसगढ़ में हुँ, हुँ, आज भूपेश बघेल जी स्वयं किसान पुत्र है और वो स्वयं जाना थे सौदा पत्रक कानून जो है किसान के गला घोटे के कानून है तो आज चार साल बीत गए कांग्रेस के सरकार आए तो वो सौदा पत्रक कानून ल निरस्त काबर नहीं करा थे वो निरस्त कर दे तो निश्चित है किसान बाजार या मंडी में वोला बाजार उपलब्ध हो जाए जेखर लाभ लेके व्यापारी मना पौने दाम में जो 1200-1500 में खरीद थे वो सिर्फ सौदा पत्र कानून उखर हथियार हो गए दूसरा छत्तीसगढ़ में रवि फसल में भी किसान मन धान लबो थे उखरो ओला मूल्य नहीं मिल पाते परंतु अब संसाधन उपलब्ध करा रहे बोर हो गए है या कैनाल आस जो छोटे छोटे डैम है उखर माध्यम से किसान मल्ला पानी मिल जाते और धान के खेती सुगम खेती मान ले है हुँ. ताकि कटाई में भी मशीन आगे है हुँ. ना रोपा लगाई में भी कुछ जगह मशीन आगे है हुँ. और ये दो ही काम है थोड़ा जटिल है धन बाकी काम है मशीन से हो जाते हुँ. तो किसान है धान के खेती ले बड़ा सुगम माना थे हुँ. और रागी कोदो कुटकी जो कहा थे वो तो हमारे उच्चतम फसल यह उत्तम अनाज है है ना कोदोला हम ना बड़े अनाज के रूप में मानथन मानता सम्मान होते और ये निश्चित तौर पे किसान के लिए बहुत बड़े उपलब्धि की बात, बात है, है जी. कि किसान अपन हाँ कोदो <coughs> की बोए ताकि वो अपन सम्मान बचा के रखे जी जी तो दो बात आऊ आगे दुबे जी आप मन व्यवस्था तो करत हो लेकिन ये सोनवेर जी बताते कि सौदा पत्रक जो कानून है ओकर कारण कई दिक्कत है कई जगह जो है फसल चक्र परिवर्तन के भी दिक्कत है तो धान पे किसान मन ज्यादा बुआई करा थे पर समस्या अभी भी बने हुए है और आप मन के जिम्मेदारी है वाला ठीक करे के तो ओकर बारे में का सोचे का का आपके प्लानिंग है ठीक करे के देखो मोहन भाई जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आई ओकर बाद एक साल के हम कार्यकाल कर पा रहे हैं कोरोना में पूरा अस्त व्यस्त हो गए है ना पूरा बजट लेकिन उखर बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार है कृषि के लिए लगातार बजट में बढ़ोतरी करीस कृषि क्योंकि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है रे तो मैं लगातार बढ़ोतरी करके आज नौ हजार दो सौ बहत्तर करोड़ रुपए के कृषि बजट रखे हुए हैं और धीरे धीरे किसान बन कैसे उमल्ला लाभ मिल सके और सीधा किसान के जेब में पैसा जा सके ये योजना बना के छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में काम करते थे और आने वाले दिनों में जो सोनवे जी, जी बताते की और मान लो जैसे सौदा पत्रक वाले वो सब चीज ले चूंकि अभी कानून व्यवस्था बने हुए तो में भी उमें जल्द से जल्द अध्ययन करके भी सकारात्मक परिणाम का किसान के पक्ष में हम कितना अच्छा निर्णय ले सकते हम और किसान ला कितना फायदा हो ही ओकर बारे में निर्णय निश्चित रूप से ले जाए और सने सने आज छत्तीसगढ़ सरकार किसान मन के लिए जो काम कर थे चाहे जैसे लोहाडी गुड़ा में जो भाजपा राज में किसान मन के जो जमीन ला, और इंडस्ट्रियल दे से रही के आखिर बयालीस सौ एकड़ ला भी छत्तीसगढ़ सरकार डिवाइस ना काबर की और किसी से जोड़ ना रही से तो हर जगह जहां जहां जैसे जैसे जानकारी आ थे ओखर बारे में परीक्षण करा के सकारात्मक परिणाम किसान मन लग मिले वो दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार काम करे पर कृत संकल्पित थे और आने वाले दिनों में एक सुखद परिणाम मिल ही और निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है जब तो छत्तीसगढ़ के किसान हां कांग्रेस के राज में खुशहाल तो है ही उन्नतशील कृषि भी कर ही जी नहीं एक बात और आतरी से पूरा चर्चा में कि ये जो नंबर वन अपन बने हैं किसान के संख्या मामला में अगर ये संख्या बढ़ा थे तो एक कारण ये भी है कि राजू गांधी न्याय योजना के जरिए आप मन इनपुट सपोर्ट प्राइस देवतों सपोर्ट प्राइस से अलग एक जल्दी धान बेचना है ये कारण से भी पंजीयन जो है ज्यादा करा लिया और बंटवारा ज्यादा हो गया एक कारण संख्या बढ़ गई है ऐसे भी बात उठते का ये कारण है नहीं 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 छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की जो नीति और रीति जो किसान मन के लिए बनाए हैं वो नीतिला देख करके छत्तीसगढ़ के किसान मन यहाँ तक कि जो नौजवान साथी मन रही से वो पहले कृषि काम करे पर दूर हो जाते थे, वो मन भी समझ में आ गए कि नहीं कृषि काम अच्छा है और कृषि हम मजबूती से करबो तो ये हमारे लिए प्रगति के मार्ग में बहुत बड़े सहायक है और तो और जहाँ तक फसल चक्र परिवर्तन के बात है तो भूपेश बघेल जी पिछले समय से ही घोषणा करे है कि आप मन अपन धान अपन धान अपन के बाद या धान के फसल के फसल जगह में यदि कोई वृक्षारोपण करूँ तो भी नौ हजार रुपए काम करना चाहते कोई फसल लेना चाहते तो उस लिए भी प्रोत्साहन राशि के रूप में दे करके मतलब प्रोत्साहित करके मैंने फसल चक्र परिवर्तन और जो मिट्टी के जो ज्यादा लाभ है कैसे मिले काम सोच के काम करते हैं। बिल्कुल सोनवीर जी कहा सच्चाई है ये जो संख्या बढ़ गए है ये हमारे बार फायदा है या ये कोई खास कोई चमत्कार जैसी चीज नहीं है वही किसान मन अपन बंटवारा करके बढ़ गए का एक कारण का हो देख आप देखिए मोहन भाई पृथ्वी तो परमात्मा जो है संरचना करके एक बार वो चाबी लग फेंक दी बनाएक बात धरती लग है ना धरती तो बाढ़त नहीं है परंतु निश्चित तौर पे थोड़ा सा किसान मन जो चना गेहूं उड़द दलहन तिलहन या अन्य फसल की ओर रहिन है ते मन धान लाभकारी मूल्य मिला थे करके किसान एति आ गए धान <laughs> के तरफ जे जे। और दूसरा आप जो कहा हो कि बड़े किसान ल पंजीयन में धान खरीदी के लिए देर में देरी समय मिले तो वो परिवार है अपन परिवार के संख्या के हिसाब से खाता विभाजन कर ली अपन आप छोटे किसान बना लीघु लघु किसान या सीमांत किसान तो वो वजह से हमारे सरकार की नीति है कि छोटे किसान ला पहली प्राथमिकता देना है और बड़े किसान तो बड़े किसान होना कोई अपराध तो न है तो वो वजह से किसान है अब एक तोड़ निकाली की हम मन अपन खाता छोटे करा लेन ताकि हम धान जल्दी बिक जाए परंतु सरकार से मैं आग्रह करना चाहूं कि अगर जो पांच एकड़ से बड़े किसान है वो लग कम से कम बीस परसेंट तीस परसेंट खरीदी में प्राथमिकता दे नहीं। नहीं। ताकि सब किसान तो धान लगाते धान के उत्पादन एक साथ आते बाजार में नहीं। 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 तो काबर ओला सजा के रूप में सबसे लास्ट में खरीदी की व्यवस्था मिलते ओला लाभ मिलते तो ये भी सुधारे के गुंजाइश है और छत्तीसगढ़ में मिलर मन जो इस साल हाथों हाथ मिलिंग के लिए उठाते मोर मानना है कि जो चालीस रुपए प्रति क्विंटल मिलिंग के चार्ज रही से बोला भूपेश बघेल जी की सरकार है एक सौ प्रति क्विंटल कर दे तो वो वजह से उद्योगपति या कोई भी व्यापारी <laughs> अपन लाभ ला देखत हुए हाथों हाथ अपन लाभ के से तीन धान मिलिंग करते है और व्यवस्था तो वही सिर्फ लाभ हो ज्यादा दिखाते तब मिलिंग की ओर आकर्षित हो है नहीं पर ये नियम से जरूर इसे असर पड़े है जेकर जे वजह से चीजें जल्दी जल्दी हुआ थे धान खरीदी भी हुआ थे धान के उठाव भी होते चला चल चलत आखिरी कमेंट ले लेते हम साहू जी से साहू जी कृषि वैज्ञानिक के रूप में आप मन का देख तो आगे कहा हो ही संख्या मान लो ज्यादा बढ़ गए पैदावार ज्यादा बढ़ गए सरकार के खरीदी के कैपेसिटी है एक कोई साइड इफेक्ट भी पड़ सकते का संख्या बढ़े के बिल्कुल क्या है कि बोलते हम लाभ मार्जिनल लाभ डिमांड बोलता न? मतलब जो चीज ऐसे है कि जेकर उत्पादन ज्यादा हो गए है ओकर उत्पादन जब ज्यादा हो जाते तो कंपटीशन भी बढ़ जाते और उत्पादन ज्यादा होए के वजह से बाजार भाव भी कम होते तो मैं तो हमेशा ये सलाह दूँ किसान भाई मतलब ही कि हमेशा मिश्रित फसल लगाए ताकि चोखा कमाई हो और दूसरा वर्षा आधारित जो किसान भाई है वो मन तो मिश्रित फसल में कुछ न कुछ ले लेते हैं बात आते कि धान में जब हम उत्पादन में अग्रणी हो तो हमन अब सस्टेनेबल फार्मिंग के तहत जैविक खेती में उत्पादन कर ताकि हम ये धान के पतला चावल ला पतला धान ला हम विदेश तक भेज सकन सक हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के बासमती राइज कई देश में जाते हैं तो खाड़ी तो देश, देश में से लंबा चौड़ा पैसा किसान भाई मिल मल्ला तो एक समूह बना के अगर किसान भाई मन बायोफोर्टिफाइड राइस तैयार करे या समूह बना के किसान भाई मन हा बासमती <laughs> या ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर नहीं। नहीं। किसान मन करते तो जमीन भी बहुत अच्छा रही और बेचे की समस्या किसान भाई मल्ला नहीं आई तो मोटा धान ला कह दीजिए कि समर्थन मूल्य में बेच सकते थे और जो ऑर्गेनिक धान है जो जैविक धान है ओला किसान भाई मन मतलब बोला रेट पे मतलब अपन हिसाब से आसानी से बेच सकत है तो ये तरीके से अपन काफी हद तक के धान उत्पादक किसान मल्ला फायदा मिल सकत है तो ये खुशखबरी है कि हमारा उत्पादन बढ़े है किसानक संख्या बढ़े है और सरकार भी खुश है तो हमन भी खुश हन और हमन चाहता है की छत्तीसगढ़ ऐसे खुशहाल रहे आगे बढ़े और हमारा आज के पंचायती में जो डिस्कशन हुए है जो सुझाव आए है ओला भी सरकार मान ही ऐसे मान के चला था हमारे साथ जो पहुना जुड़ी ओला बहुत बहुत धन्यवाद सबके धन्यवाद और एक बात अव है कि जय किसान जब रही तभी जय छत्तीसगढ़ हो सकत है और छत्तीसगढ़ के आगे बढ़े में किसान मन के योगदान ला हमन भूलन नहीं तो हमन अव चर्चा कर वो बाद में लेकिन आज ये पांच के पंचायती में इतना ही मुलादोविजा जय जोहार जय जोहार जय किसान जै जोहार। जल जंगल जमीन और जनता के साथ खड़ा ये हुआ है आसमान को देख रहा है जड़ों से अब भी जुड़ा हुआ है हमारा सुख है